जो मर चुका है उसे वापस जिंदा करना असंभव है, हम सब यही सुनते आ रहे हैं। अब यह कथन असत्य साबित हो गया है। अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने एक विलुप्त प्राणी को जिंदा कर दिया है। ब्लैक फुटेड फेरेट नामक यह प्राणी विलुप्त हो चुका था। कई संस्थाओं के शोधार्थियों ने मिलकर क्लोनिंग प्रक्रिया से लुप्तप्राय प्रजाति को बचा लिया। किसी लुप्तप्राय प्रजाति को क्लोनिंग से बचाने की ये अमेरिका के वैज्ञानिकों की पहली कोशिश थी, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसा पहले ही कर चुके हैं। उत्तरी अमेरिका में फेरेट की एकमात्र प्रजाति ब्लैक फुटेड 1980 के दशक में विलुप्त हो चुकी थी। हाल ही में वैज्ञानिकों को ब्लैक फुटेड फेरेट का ही फ्रोजन टिश्यू मिला और उससे एक क्लोन बनाया गया, नाम रखा गया एलिजाबेथ एन। डोली ब्लेड को जिंदा करने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग 1996 में किया गया था, उसी प्रक्रिया से फेरेट को भी जिंदा किया गया। 2013 में ही ये क्लोनिंग प्रोजेक्ट शुरू हो गया था और दिसंबर 2020 में क्लोन्ड फेरेट एलिजाबेथ एन पैदा हुई। वैज्ञानिकों के इस काम के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।